अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सब फॉर सब क्या होता है, क्या ये लीगल है, क्या ये सेफ़ है, आपको करना चाहिए कि नहीं, क्या इसकी वजह से चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं सब फॉर सब होता क्या है। सब फॉर सब से मुराद ये है कि आप किसी दूसरे बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बंदा आपके चैनल को सब्सक्राइब, मतलब कि सब्सक्राइबर एक्सचेंज हो जाए, दोनों के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए। ये आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करके भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स लोगों ने बनाए होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भी आप शेयर करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने YouTube के चैनल का नेम या लिंक या वीडियो की लिंक जो है उसको शेयर करके Facebook के ऊपर, Facebook के ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो। और आप देखेंगे कि Facebook के ग्रुप्स में लोग लाइव बैठे होते हैं जो कि कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। और परमानेंट सब्सक्राइबर रहिएगा, मतलब कि लोग ऐसे भी होते हैं कि सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर बाद में अगले दिन जो होते हैं वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इनका बेसिक काम ये होता है सब फॉर सब का कि ये सारे के सारे जितने भी सब्सक्राइबर सब फॉर सब से गेन करती है सारे फेक सब्सक्राइबर होते हैं। ये एक्टिव सब्सक्राइबर, जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं होते। एक्टिव सब्सक्राइबर से मुराद ये होते हैं कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी वीडियो लोग देखें जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ये कोई भी नहीं देखती, आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखता क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करने के लिए अपने आईडी बनाई होती है, मल्टीपल आईडी बनाई होती है। और इनका काम ही होता है कि ये अपनी आईडी के ऊपर यूट्यूब के चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर 1K तक ले जाते हैं और उसके जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको आगे बेच देते हैं। इन्होंने यहाँ से पैसा कमाना होता है, ये आगे बेच बेच कर पैसा कमाते हैं। इसके काफ़ी नुकसान भी हैं, काफ़ी फ़ायदे भी हैं। मैं आपको पहले इसके नुकसान का बता दूं कि जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे बेशक आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, आप इसको आगे तक ले जाते हैं, चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो यूट्यूब जो होगा वो आपकी इंप्रेशन को ड्रॉप कर देगा, मतलब कि जब आप कोई एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका जो थंबनेल होगा वो यूट्यूब लाख लोगों को दिखाएगा। जब देखेंगे कि इस पर कोई व्यूज़ नहीं आया तो वो फिर 80,000 पे ले आएगा, 20,000 तक ले जाएगा, 10,000, इस तरह आपका चैनल जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा और आपको फिर मुश्किल होगी कि आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आते। मेरा इसके फ़ायदे यही है कि आपका 1K सब्सक्राइबर पूरा जल्दी जैसे जल्दी हो सकता है और नुकसानात में मैंने आपको बता दिए। तो इससे बेहतर है कि अगर तो आप अभी तक सब फॉर सब कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दें, रोक दें, यहाँ पे रोक दें, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम होता है अगर वो पकड़ लेता है तो वो फिर ये देखता है कि यार इसके सब्सक्राइबर लिंक के थ्रू एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आपके व्हाट्सएप के जो सोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, वो जो व्हाट्सएप की परसेंटेज क्रॉस कर जाता है तो फिर एल्गोरिथम के हाथ में आ जाता है। और जब से ये आप अगर एक दिन में 100 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करते हैं सब फॉर सब से तो वो यूट्यूब जो है वो उसको काउंट नहीं करता, उसको डिलीट कर देता है, ये सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इसको छोड़ें, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अच्छी वीडियो, हाई क्वालिटी की वीडियो, अच्छा कंटेंट डालें और सब्र से काम लें, क्योंकि आप अगर तो आप डेली कंटिन्यू अपलोड करेंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा, इस पर टाइम लगेगा। तो इसके साथ साथ आपको पेशेंस की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो ये थी वीडियो जिस पर मैंने आपको सफ़र सब के बारे में बताया। अगर तो आप इसके मुतल्लिक कोई भी ऐसा सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर आपको जवाब भी दूंगा। अगर उसके ऊपर वीडियो बनानी हो तो मैं वो भी बना दूंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।